ये मणिपुर का एन एस सेवन है जो है ना धूप। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम लोग मणिपुर आए हुए हैं। तो मेरे साथ अभी है विजय, राजा, अभी रोशन, सुशांत, पीछे साजन और राजा। तो अभी राजा दो दो आए हुए हैं। तो अभी हम लोग शॉर्टकट रास्ता से इधर एक मणिपुर में एक पोखर है, मैं पोखर भी आगे और पीछे एक ना हाई स्कूल भी है। तो वहाँ हाई स्कूल में कॉलेज है, तो है ना हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं। तो ये है ना एकदम शॉर्टकट रास्ता है और पीछे एक और लीची बागान। तो अपने पिछले ब्लॉग में भी एक लीची बागान का के बारे में बताए थे, मगर वो ये लीची बागान है, वो दूसरा कोई था। तो ये मणिपुर वाला लीची बागान है। तो एक तो मेन रोड उधर से था और एक ना ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट में ना एक छोटा सा रास्ता है, इधर इधर पूरा खेत है और इधर लीची बागान और बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं पहले पोखर, फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग कॉलेज पर आ गए हैं। तो ये कॉलेज के पीछे पीछे से आए हुए हैं। तो रास्ते में तीन तीन लीची बागान मिला, तो एक लास्ट में एक लीची बागान के बीच से आए थे। तो अभी देखते हैं कैन पोखर जो कॉलेज के आगे जो पोखर उसमें पानी है या नहीं है, मेरे अंदाज से होना तो चाहिए ही। तो अभी आगे चलो आगे तक चलते हैं। तो अभी कॉलेज पर आ गए हैं हम लोग। ये पूरा कॉलेज का कैंपस और इधर ने ये पोखर जो है ना अभी आधा ही भरा हुआ है। और तो अभी इसमें ना भैंस भैंस है ना नहा रहा है। तो ये है ना अभी था माई था गंदा हो गया पानी, मगर बरसात के टाइम में तब पूरा अच्छे से भर जाता है ये पोखर। तो उस समय थोड़ा ना पूरा भर जाता है तो पूरा साफ भी हो जाता है। और यहाँ ये पूरा कॉलेज का कैंपस है। तो कॉलेज ना बड़ा तो है नहीं, मगर कैंपस यहाँ के हिसाब से सही है। तो यहाँ पे पूरा हरियाली भी अच्छा खासा है, जो एकदम ठंडा ठंडा हवा यहाँ पे आता है। तो हमारे साथ पूरा 1 2 3 4 5 6 और मुझे लगा के 7 लड़के आए हैं यहाँ पे यह सुबह सुबह ब्लॉग कर स्टार्ट करने के लिए। तो एक इधर पीछे का एक और रास्ता है जो है ना दूसरे साइड जाता है। तो चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, देखते कहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग ये मल्लीपुर से लक्ष्मीपुर पहुंच गए हैं और रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये रास्ता है साजन लाया था, तो साजन कुछ बोलो कहाँ ये रास्ता है ना निकलेगा आगे, फिर से वापस NH7 पे निकलेगा। ये मल्लीपुर का NH7 है जो है ना धुरिया चौर से निकलता है। तो ये अभी गर्मी का टाइम है जिस वजह से अभी पूरा इधर सूखा हुआ है। वैसे बरसात के टाइम में इधर पूरा पानी पूरा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पीछे इधर पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा है और इधर एक पेड़ है बहुत अच्छा खासा पेड़। तो अभी हम लोग एक कुआँ है उधर एक कुआँ है, तो वहाँ पर चलते हैं क्योंकि हम लोग के साइड तो कुआं बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि इधर मैदानी इलाका है तो यहाँ पर हैंड पंप का ज़्यादा यूज होता है। तो ये बहुत पुराना
लगता है बहुत पुराना कुआं है ये, अब है बस खेती के लिए यूज में आता होगा शायद। ये बहुत ज़्यादा ही पुराना कुआं है, यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला है हम लोग को। तो चलते हैं कुआं के पास, आगे आगे साजन और पीछे से हम लोग कुआं के पास। तो ये आ गए हैं कुआं के पास, ये उतना बड़ा कुआं तो नहीं है, वहाँ अंदर पूरा पानी है, पानी अभी भी कुआं के अंदर। तो इसके नीचे जा सकते हैं, मैं एक लोहा एक कैसे भी जा सकते हैं माँ, इसके अंदर जाना तो है नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कुआं है तो इसमें जो रस्सी से खींचा जाता है, कितना अच्छा सा पूरा ही डिजाइन बन के दाग वो इसमें वो हो गया है, इसको क्या बोल सकते हैं, घिस गया है ये ईटा, यहाँ इधर भी है फिर वहाँ पे भी है, खींचते खींचते फिर। तो अब चलते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे सब, फिर था और आगे चलेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग था रेस्ट किए, उसके बाद था फोटोशूट भी हुआ। तो आप इंस्टाग्राम पे हम मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जो है ना मैं फोटोशूट करता हूँ वो है ना मैं अपलोड कर दूँगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे जाके हम मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो ये पेड़ पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ सॉरी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही पुराना पेड़ है, यहाँ का जो जो मेरे साथ विजय आया, राजा आया, साजन आया, वो इधर ही का है, मलिकपुर का ही है। तो वो मैंने बता रहा था ये बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, पहले ये पेड़ था, उसके बाद वो कुआं आया को खुदाया गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर एक तालाब है, तो तालाब के साइड जा रहे हैं, जो है ना बरसात अभी तो उतना नहीं होगा पानी उसके में, मगर है ना बरसात के टाइम में है ना बहुत ज़्यादा पानी उसमें हो जाता है। तो अभी हम लोग चल जा रहे हैं उस साइड। हाँ तो अभी आ गए इधर मलिपुर के तालाब बोल सकते हैं इसको। तो मैं पहले ही बता दिया था कि है ना जब बरसात का मौसम आता है तब ये पूरा भर जाता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें पूरा मछली भी पाला जाता है इसमें बरसात के टाइम में। तो अभी ये तो पूरा सूखा हुआ है गर्मी की वजह से, तो जब बरसात का मौसम आएगा, बरसात का मतलब सीजन, तो इसमें मैं कभी आऊँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा कि कितना मस्त लगता है ये, इसको है धुरिया चौर बोलते हैं। तो अभी सवेन अब यहाँ आगे सवेन में वेट कर रहे कि अब आएंगे। तो अभी घर हूँ, मुझे जाना है क्योंकि लेट भी हो गया और दुकान पे भी जाना है। तो मेरा ब्लॉग है ना इस ज़्यादा देर तक आ नहीं पाता है, वो पूरे अपने दिन का दिखा नहीं पाता हूँ, क्योंकि था दुकान पे रहना पड़ता है, फिर घर पे जाता हूँ थक के, फिर वहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ इस वजह से। तो मैं सुबह ही उठ के है ना ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, और कभी ऐसा स्पेशल कुछ होता है तो है ना पूरा मैं कर। तो आज डेट है 9 जून, तो है ना मैं 12 जून को है ना फ्लाइट है बेंगलोर का दरभंगा से, तो बेंगलोर जाऊंगा, तो वहाँ पे तो डेली सुबह से रात तक का है ना ब्लॉग आएगा आपके पास। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे है ना आपका मेरा सपोर्ट बनेगा और मुझे मोटिवेट भी मिलेगा कि हाँ आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, तो जिससे मैं ना और अच्छा ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय। हर नजर नजर है तुझ पे, तू जरा सा